हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने बताया था बच्चों, आपको रासायनिक गतिकी चैप्टर में अभिक्रिया का वेग कैसे निकालते हैं, उसका औसत वेग कैसे निकालते हैं और उसका तात्क्षणिक वेग कैसे ज्ञात किया जाता है। अब बच्चों, जब हम अभिक्रिया का वेग पता कर लिए हैं तो अब हम लोग जानेंगे अभिक्रिया के वेग की इकाई के बारे में कि आखिर अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होता है। तो देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक हमने लिख दिया है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब होता है बच्चों अभिक्रिया के वेग की इकाई। अभिक्रिया के वेग की इकाई जो है बच्चों, देखो ये दो तरीके से निकाला जाता है। आप सोचोगे कि यूनिट तो एक होता है, किसी भी जो है ना, किसी भी अगर हम राशि देखें तो उसका जनरली हम लोग कोई भी अगर डाटा निकालते हैं, चाहे मोलरता हो, चाहे मोललता हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, तो उसमें हम एक यूनिट का ही जिक्र करते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चों याद रखना है, अभिक्रिया का वेग का इकाई जो है हम दो तरीके से दिखाएंगे आपको। पहला जो तरीका है कहता है बच्चों कि यदि अभिक्रिया में अभिकारक की भौतिक अवस्था ठोस या द्रव, ध्यान देना बच्चों, कैसी भौतिक अवस्था पदार्थ की, ठोस या द्रव। अगर किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक या तो ठोस में अगर रहा या तो द्रव में रहा, तब उसके सांद्रण को हम लोग मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। यानी कि जब पदार्थ ठोस या द्रव होता है तो उसके सांद्रण को किसमें दिखाते हैं, मोल प्रति लीटर में दिखाते हैं। तब बच्चों वेग की इकाई क्या होना चाहिए, तब वेग की इकाई जो होना चाहिए वो सांद्रण में परिवर्तन बटा समय, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है वेग की। और जब ये फॉर्मूला पर हम सेट करेंगे तो सांद्रण में क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर, और समय क्या होगा बच्चों, समय तो सेकंड में रखेंगे यूनिट, तो हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा बच्चों, तो अभिक्रिया के वेग की इकाई होगी, लेकिन कब, जब अभिकारक ठोस या द्रव में होता हो तब। अब देखो, आपको पता है बच्चों किसी भी पदार्थ की अवस्था जो होती है, तीन तरह की भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस और द्रव में अगर अभिकारक हो तो उसका यूनिट पता चल गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड आप रख देंगे। लेकिन अगर अभिकारक गैसीय अवस्था में हुआ, किस पे रहा बच्चों, गैसीय अवस्था में, तब वहां पर देखो गैसों के साथ क्या होता है बच्चों, कि गैसों के लिए नियम क्या होता है कि किसी भी गैस का सांद्रण, ध्यान से सुनना, किसी भी गैस का सांद्रण उसके जो होता है, कह सकते हैं दाब का सीधा समानुपाती होता है। यानी किसी भी गैस का सांद्रण उसके दाब का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि गैस के सांद्रण को हम लोग आंशिक दाब के रूप में, यानी आंशिक दाब उसका वायुमंडलीय दाब, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग किससे दिखाते हैं बच्चों, एटीएम से दिखाते हैं, यानी एटीएम में व्यक्त किया जाता है। तब वेग की इकाई क्या होगी बच्चों, सांद्रण में परिवर्तन बटा समय अंतराल। सांद्रण क्या हो जाएगा गैस का, एटीएम, बटा क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों एटीएम पर सेकंड। क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकंड, है ना, बैंक वाला एटीएम मत समझना, है ना, कौन सा एटीएम है, ये वायुमंडलीय दाब वाला एटीएम है ना, चलो इसको नोट करेंगे। तो देखो बच्चों, अब जानेंगे हम लोग अभिक्रिया का वेग नियम या वेग समीकरण। यानी कि अब जो टॉपिक है बच्चों वो आपका कहता है रेट लॉ और रेट इक्वेशन, वेग नियम या वेग समीकरण। तो कहता क्या है बच्चों, सबसे पहले इसके डिफिनेशन पर आते हैं। कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक, अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है, इसे वेग नियम कहा जाता है। यानी एक चीज याद रखोगे बच्चों, अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती होगा, अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होगा। तो इसके लिए बच्चों देखो, हमने यहाँ पर व्यंजक बनाया है, इस व्यंजक में हमने देखो क्या बनाया है। तो पहले हम एक अभिक्रिया लेट कर लेते हैं बच्चों, कि हमारा अभिक्रिया इस तरीके से है। देखिए क्या है अभिक्रिया, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ए और बी अभिकारक है, सी और डी प्रतिफल है। अब आपको लगेगा बच्चों आगे हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, सी, डी का इस्तेमाल किया है। तो ए जो है, ये जो स्मॉल ए देख रहे हैं बच्चों, ये ए का जो है कह सकते हैं सैद्धांतिक क्या है, तो मोल की संख्या, क्या है, सैद्धांतिक मोल की संख्या। कौन सी मोल की संख्या बच्चों, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक समझते हैं मतलब कि थ्योरेटिकल वैल्यू, जो वैल्यू उसके पास है प्रेजेंट पहले से ही, है ना। तो वो ए मोल है, बी बी मोल है, सी सी मोल, और डी क्या है, डी मोल है। तो यानी कि इनकी मोलों की संख्या भी यहां पर दिखाई गई बच्चों। तो अगर हम वेग नियम से चले तो हमारा वेग क्या कहता है, कि वो सांद्रण का सीधा समानुपाती होता है। तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिकारक का क्या, सांद्रण। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां रेट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे के। अब देखो बच्चों यहां ध्यान देना, जैसे ही हम सांद्रण लिखेंगे अभिकारक का, तो ए का लिखेंगे ब्रैकेट में, तो पता ही है स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन जो मोल होता है बच्चों वो क्या हो जाता है, उसके घात बन जाता है, अभिकारक के सांद्रण का क्या बन जाता है, घात। वैसे ही बी है,
दूसरा अभिकारक है, तो ये नहीं कि बच्चों प्लस में लिख दोगे, जितने भी अभिकारक होंगे सबको इनटू करते चले जाओगे, इनटू बी का सांद्रण बी स्क्वायर ब्रैकेट में, और बी मोल है तो मोल की संख्या क्या बताया, सांद्रण पद का क्या बन जाता है, घात यानी पावर बन जाता है। तो इसके लिए इसको भी बी को हम क्या कर दिए, बी टू दी पावर बी कर दिए। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लेट कर लेंगे बच्चों, ठीक है, यह अभिकारक के लिए है, जैसे कि जहां पर जानते हैं के क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब देखिए बच्चों फिर से हम चलते हैं, पुनः क्या कहता है, कहता है कि वेग जो है इस बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, प्रतिफल के साधक का है। हमारा प्रतिफल क्या है बच्चों, सी और डी प्रतिफल है, ए और बी क्या था, अभिकारक था, है ना, पता ही आपको, अभिक्रिया के जो वेग समीकरण होते हैं उसके जो दाईं ओर रहते हैं प्रतिफल रहते हैं, बाईं ओर अभिकारक रहते हैं। तो अब देखो बच्चों यहां वेग क्या हो जाएगा, तो के इंटू साधारण के यहां समानुपाती को हटाएंगे तो के लगा देंगे, और सी है प्रतिफल, और उसका मोल कितना है, सी, तो सी टू दी पावर सी, और डी है तो डी का पावर कितना हो जाएगा, डी टू दी पावर डी मोल हो जाएगा। यहां इक्वेशन हो जाएगा बच्चों सेकंड। अब देखो बच्चों दोनों समीकरण जो है उसमें के जो है वेग स्थिरांक बन रहा है, और यहां हम समीकरण एक और दो को हम क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं बच्चों वेग समीकरण को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका देखिए दूसरा जो वेग समीकरण का डिफिनेशन है हमने यहां लिख दिया बच्चों, क्या लिखा है तो देखिएगा ध्यान से, कि अभिक्रिया का वेग नियम को समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। तो इसको बच्चों नोट करेंगे, फिर इसके आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर अभिक्रिया का जो वेग हमने समीकरण बताया है उसमें कुछ नोट पॉइंट है बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ोगे क्योंकि ये नोट पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम बताएंगे वो आपको कंफ्यूज नहीं क्रिएट करेगा, वो आपको 100% परफेक्ट बनाएगा। तो देखेंगे बच्चों क्या कहता है, तो पहला नोट पॉइंट कहता है कि अभिक्रिया का वेग जो नियम होता है बच्चों अभिक्रिया के प्रायोगिक मान पर निर्भर करता है। देखो बच्चों प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान ये हम लोग वांट ऑफ गुणक से सीखते आ रहे हैं। प्रायोगिक मान का मतलब होता है जो हम लोग करा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर सोडियम को क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, हम देख रहे हैं कि सोडियम का कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, तब उसको हम कहेंगे प्रायोगिक। लेकिन एक सिद्धांत कहता है कि सोडियम का एक मोल क्लोरीन के एक मोल से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का दो मोल बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, कि जो कह दिया गया उसको आपने मान लिया। और एक प्रायोगिक क्या होता है, जो प्रैक्टिकली हम करके देख रहे हैं प्रयोग करने पर उसका वैल्यू क्या आ रहा है, है ना। तो बच्चों हमेशा याद रखना अभिक्रिया का जो वेग नियम होता है वो वेग किस पे डिपेंड करता है, अभिकारक के प्रायोगिक मान पर निर्भर करता है, जिसे हम लोग एम और एन के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा निरूपित करते हैं बच्चों, स्मॉल एम और स्मॉल एन के द्वारा निरूपित करते हैं, जो कि सैद्धांतिक मान स्मॉल ए और स्मॉल बी, माने थे बच्चों अभिकारक का ए मोल और बी मोल इससे पहले ना, तो उसके या तो बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि जितना प्रायोगिक मान हो उतना सैद्धांतिक मान हो ही, हो सकता है उतना हो भी जाए या फिर नहीं भी हो, बात समझ रहे हो। अब देखो बच्चों अगर हमारा अब अभिक्रिया इस तरह से लिखा गया है कि ए का ए मोल बी का बी मोल अभिकारक है, और प्रतिफल जो बना रहा है सी का सी मोल और डी का डी मोल बना रहा है बच्चों, तो हम यहां पर इस चीज का जिक्र कर सकते हैं अब कि वेग बराबर वेग नियम से क्या, तो अभिकारक का सांद्रण यानी रेट जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेग बराबर देखो हम समीकरण क्या लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना यहां पर a टू द पावर m और b टू द पावर n हम लिख रहे हैं। अब आपको लगा कि यहां पर तो a था और यहां पर तो b था, तो इसलिए बच्चों हमने किया क्योंकि हमने बताया कि वेग नियम जो होता है वो सैद्धांतिक मान पर निर्भर नहीं करता, किस पे निर्भर करता है, प्रायोगिक मान पर, और वो प्रायोगिक मान m और n से निरूपित करते हैं, वो हो सकता है सैद्धांतिक मान के बराबर हो या ये भी हो सकता है सैद्धांतिक मान के बराबर नहीं भी हो, बात समझ में आ रहा है। अब चलिए बच्चों आगे देखते हैं दूसरा नोट पॉइंट में। दूसरा नोट पॉइंट कहता है बच्चों कि अभिक्रिया का वेग नियम से हमने अभी क्या पढ़ा है, वेग बराबर k into a to the power m into b to the power n, अभी हमने सीखा इससे ऊपर। अब देखो बच्चों समीकरण एक इसको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, अब समीकरण एक लेट कर लेते हैं। अब चलते हैं यहां पर, देखो बच्चों यदि यहां पर क्या ले लें हम अभिकारक ए जो है उसका हम क्या ले लें, एक मोल पर लीटर ले लें, क्या बच्चों ले लें उसकी सांद्रण को एक मोल पर लीटर ले लें, और दूसरे अभिकारक का सांद्रण भी क्या ले लें हम लोग बच्चों एक मोल पर लीटर ले लें, यानी कि दोनों जो अभिकारक है बच्चों अगर उसका हम सांद्रण एक मोल पर लीटर मान लें तब समीकरण एक से क्या होना चाहिए बच्चों, वेग बराबर के इंटू ए टू द पावर एम और बी टू द पावर एम है, तो ए की जगह पर क्या रख देंगे वन, और बी की जगह पर क्या रख देंगे वन, वन का पावर चाहे आप कितना भी कर दो बच्चों क्या होगा वैल्यू वन, यानी वेग किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। और जहां के क्या है बच्चों, तो के जो है वो
वो क्या है, वेग स्थिरांक है। क्या है? वेग स्थिरांक, जिसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट है ना। अब यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों, वेग स्थिरांक का हमें एक परिभाषा भी मिल सकता है। तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण अगर इकाई हो, यानी जितने भी अभिकारक इस्तेमाल हो अभिक्रिया में उनका सांद्रण अगर इकाई यानी कि वन यूनिट में हो, तब अभिकारक का जो अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो क्या होता है, उसके वेग के बराबर होता है। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है बच्चों, वही वेग स्थिरांक बन जाता है। तो इसको आप नोट करोगे। तो देखो बच्चों, अब जो हम लोग अभिक्रिया का यहाँ पर जो वेग नियम से फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या, वेग स्थिरांक की विशेषता। देखो बच्चों, ये जो हम टॉपिक बताने जा रहे हैं इससे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्लियर होंगे इस चैप्टर के। अक्सर बच्चों क्या होता है ना कि बोर्ड के स्टूडेंटों को जो है खासकर जब ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इस चैप्टर से तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको उस स्टूडेंट्स में शामिल नहीं होना है, आपको उस स्टूडेंट में शामिल होना है जहां पर प्रॉब्लम्स का एक भी परसेंट चांस ना हो। तो देखिए बच्चों, हम यहां पर क्या करते हैं, अब वेग स्थिरांक की विशेषता पढ़ते हैं। वेग स्थिरांक यानी कि के, आप अभिक्रिया में क्या लिखते थे बच्चों, जैसे अभिक्रिया अगर मान लीजिए ऐसा होता था, लेट कर लेते थे क्या कि एक ए अभिकारक है जो अभिक्रिया क्या बना रहा है, बी बना रहा है, तो हमने क्या लिखा बच्चों, तो वेग बराबर हम क्या लिखेंगे इसमें, के इंटू ए टू द पावर, है ना, ए। अगर मान लीजिए ए मोल है तो क्या हो जाएगा, ए। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो वेग का हमने जो दिखाया है तो इसमें के जो है बच्चों यही क्या है, रेट कॉन्स्टेंट है। के क्या है यहां, रेट कॉन्स्टेंट है, के बराबर वेग स्थिरांक। अब देखो बच्चों, के की वैल्यू क्या होती है, तो के जो होता है उसकी विशेषता क्या बच्चों, पॉइंट बाय पॉइंट ध्यान से पढ़ोगे। पहला कहता है विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए के का मान भिन्न भिन्न होता है, यानी बच्चों अभिक्रिया अगर अलग अलग होगा तो उनमें के का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी सारे अभिक्रियाओं के लिए एक टाइप का वेग स्थिरांक नहीं चलता है, हर एक अभिक्रियाओं का एक अपना वेग स्थिरांक होता है। जो एक चीज याद रखना है, हर एक अभिक्रियाओं का, अलग अलग अभिक्रियाओं का अपना एक वेग स्थिरांक होता है, लेकिन उनके लिए वो कॉन्स्टेंट है, उस अभिक्रिया के प्रारंभ होने से अंत तक वही मान उनका रहेगा, वहां चेंजिंग के में नहीं आएगा। लेकिन अलग अलग अगर अभिक्रिया है तो उसमें के का मान अलग अलग होगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि के का मान जितना अधिक होगा अभिक्रिया उतनी ही तेज गति से होगी। यानी यहां पर बच्चों देख लो, यहां पर देखो समीकरण हम दिखा रहे हैं, जो के क्या है, के यहां पर वेग बराबर के इंटू ए टू द पावर ए, यानी के की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे बच्चों, जाहिर सी बात है क्या होगा, वेग उतना बढ़ेगा। क्योंकि वेग किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे भी तो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वेग बराबर क्या है, के इंटू अभिकारक का सांद्रण। तो यानी कि वेग स्थिरांक के का मान जितना बढ़ेगा बच्चों इसका, उतना ही के का मान जितना बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, वेग भी बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट पे आते हैं बच्चों, कहता है कि एक निश्चित ताप पर के जो होता है स्थिरांक होता है और यह अभिक्रिया का एक विशिष्ट गुण है। यानी किसी भी हम कहे बात को कि अगर किसी अभिक्रिया में अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, तो हमने बताया ना अभिक्रिया शुरू से लेकर अंत तक के मान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। और जो चौथा मोट पॉइंट है बच्चों, वो क्या कहता है कि किसी विशेष अभिक्रिया के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी विशेष अभिक्रिया के लिए के का मान सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अक्सर लोग सोचते होंगे कि के की जो वैल्यू होती है, के का जो मान होता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता हो, तो नहीं, वेग करता है सांद्रण पर निर्भर, लेकिन वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक यानी जो के है वो ताप पर निर्भर करता है। तो बच्चों आता है ऑब्जेक्टिव कि वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है, ऑप्शन होंगे अभिकारक के सांद्रण पर, दाब पर, ताप पर, है ना, मोल पर, तो आप क्या बताओगे, ताप पर, ठीक है। तो ये बच्चों था के की विशेषता। अब थोड़ा सा ये नीचे आप देखिए, यहां पर हमने लिखा है बच्चों, जो पॉइंट लिखा है क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कह रहा है वेग तथा वेग स्थिरांक में अंतर। अक्सर पूछता है एग्जामिनेशनों में कि आप वेग और वेग स्थिरांक में क्या अंतर जानते हो, तो हम बच्चों देखो यहां पर हमने एक साइड वेग लिखा है, दूसरे साइड वेग स्थिरांक लिखा है ना बच्चों। अब देखो यहां पर क्या फर्क होगा रेट और रेट कांस्टेंट में, है ना, रेट और किस में, रेट कांस्टेंट में।
अब देखो बच्चों क्या अंतर है दोनों में, यहां पर देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, कहता क्या है कि यह अभिक्रिया या अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है आपने पढ़ा भी है, वेग किससे निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। जबकि वहीं अगर वेग स्थिरांक की बात देखें तो यह अभिक्रिया के वेग से संबंध रखता है परंतु अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो पहला तो अंतर यह हो गया बच्चों कि वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है जबकि वेग स्थिरांक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा जो कह रहा है पॉइंट बच्चों देखिए क्या कह रहा है कि यह किसी समय में अभिकारक को प्रतिफल में परिवर्तित होने को दर्शाता है। यानी वेग में हम लोग क्या सीखते हैं कि किसी टाइम में, एक निश्चित टाइम में, एक निश्चित समय में अभिकारक किस में चेंज हो रहा है, प्रतिफल में चेंज हो रहा है। लेकिन वेग स्थिरांक क्या कह रहा है बच्चों, तो यह कह रहा है कि यह वेग नियम में प्रयोग होने वाला एक अनुपातिक राशि है। ये नहीं दर्शा रहा है कि किस समय में वो चेंज हो रहा है अभिकारक प्रतिफल में। यह क्या है, तो अभिक्रिया का जो वेग हो रहा है उसमें एक अनुपातिक राशि का काम कर रहा है, ठीक है। और जो तीसरा अंतर जो है वो क्या कहता है बच्चों कि अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर समय के साथ वेग जो होता है वो घट जाता है। यानी कि आपको पता है कि अभिक्रिया जब होगा तो जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगा समय अनुसार अभिकारक के सांद्रण में कमी आ जाएगी और अभिकारक का सांद्रण का सीधा समानुपाती क्या होता है, वेग होता है। तो सांद्रण घटेगा तो बच्चों क्या होगा, वेग में भी कमी आना शुरू हो जाएगा। और वेग स्थिरांक में तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, इसमें ऐसा नहीं है कि वेग स्थिरांक समय के अनुसार घट जाए, यह ऐसा नहीं होता है। यह अभिक्रिया के प्रारंभ से अंत तक हमेशा क्या होता है बच्चों, तो कांस्टेंट होता है ना। तो ये जो है बच्चों डिफरेंस है, इसको आप नोट कर लोगे। तो देखो बच्चों अब हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं यहां पर, इसको ध्यान से पढ़ना। यह कहेगा कि यहां पर बच्चों की कुछ अभिक्रियाएं दे देगी और कहेगा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं का वेग समीकरण लिखें। क्या कहेगा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का वेग समीकरण लिखें। अब बच्चों वेग समीकरण आपको लिखना होगा, तो कैसे लिखोगे, तो देखो वेग समीकरण जो लिखने का नियम है बच्चों उसको अब यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना। इस टाइप का आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए हमने दो अभिक्रियाओं लिखा है बच्चों। पहला लिखा हुआ है 2N2O, ये अभिकारक है, प्रतिफल आपका क्या है 2N2+O2। अगर यहाँ हमको लिखना है इसका क्या लिखना है बच्चों, वेग समीकरण। तो देखो वेग समीकरण जब आप लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, तो अभिकारक के लिए ही लिखकर भी छोड़ सकते हो, प्रतिफल के लिए भी लिख के जो है ना, दोनों के लिए लिख के छोड़ सकते हो। लेकिन कम से कम आप हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर प्रतिफल नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेग समीकरण में अभिकारक के सांद्रण से वेग समीकरण जरूर दिखाया जाता है ना। क्योंकि स्टार्टिंग डिफिनेशन ही कहता है कि अभिकारक के सांद्रण में जो सीधा समानुपाती होता है वो अभिक्रिया का वेग होता है। तो रेट बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, K into हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट लगा देंगे, समानुपाती होता था ना। और यहां लिख देंगे बच्चों N2O का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर इसका ये क्या हो गया, एक वेग समीकरण हो गया। और भी अगर मान लीजिए हम दूसरा समीकरण भी लिखना चाहते हैं इसका, एक समीकरण तो ये हो गया, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, रेट बराबर K into प्रतिफल के लिए N2 का पावर क्या हो जाएगा, मोल की संख्या क्या बन जाता है, घात, N2O2 का पावर, देखो यहां पर कोई मोल नहीं है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, पावर 1। आप दो समीकरण भी लिख सकते हो। और अगर आप नहीं लिख पाए तो ये अगर पहले समीकरण लिख देंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, क्योंकि रिएक्टेंट आपका ये है, ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा समीकरण ठीक इसी तरीके से है, इसमें हमने अभिकारक में दो पदार्थ ले लिया है, प्रतिफल एक पदार्थ बन रहा है। अगर इसका हमको लिखना है वेग समीकरण बच्चों, तो वेग समीकरण कैसे लिखोगे, तो वेग समीकरण लिखोगे रेट बराबर क्या लिखोगे, K into NO2 है। अब देखो मोल कितना है बच्चों, 2 है, 2 मोल है ना, घात क्या दे देंगे, 2 पावर 2 दे देंगे, F2 का पावर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल। ये हो गया आपका एक समीकरण किसके लिए, अभिकारक के लिए। और फिर से अगर आपको लिखना है दूसरा समीकरण, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, K into NO2F, इसका मोल कितना बच्चों, 2, तो ये हो जाएगा पावर 2। तो दोनों समीकरण आप दिखा सकते हैं, ऐसे आप अभिक्रिया का वेग समीकरण आप बच्चों लिख लेंगे। तो बच्चों आज के टॉपिक्स में हमने जो भी आपको जो है ना कह सकते हैं बात बताई है, इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगा बच्चों तो आप इसको जो है अपने कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिसका हम सॉल्यूशन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ला कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, थैंक यू।